गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सो तुम सोच रहे हो भाई ये दोनों बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो देखो हम आए हुए हैं संगरिया क्योंकि फिलहाल देखो पापा ने एक नया प्रिंटर मंगाया हुआ है और वो प्रिंटर अभी मैं उसको लेने जाने वाला हूँ। जहाँ से डिलीवरी वाला बंदा लेके आता है ना वहाँ से मैं सोचा वहाँ से डायरेक्ट पिकअप करने वाला हूँ क्योंकि संगरिया में था और पापा ने बोला तू जा यार। और भाई देखो ये व्लॉग मैं सडन एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे मन में पहले स्टार्ट कर दूँ पर ये माशा है पूरे घर से लगे थे और संगरिया में एंटर होते होते तक बातें लगे पड़े थे फ़ोन पे और ऊपर से फ़ोन की बैटरी डाउन है। बोलो क्या करूँ मैं, आई तो मेरे फॉल्ट है। चलो भाई जहाँ हमने पहुँचे वहाँ पहुँच चुके हैं कुछ इस जगह। चलो भाई अभी हमने प्रिंटर पिकअप कर लिया है। चलो भाई अभी हमने हमारा पार्सल पिकअप कर लिया है और ये भाई पीछे दीदी ने हाथ में पकड़ रखा है और पकड़ूंगी तो मैं पकड़ूंगी। और अभी देखो मैंने दीदी को कहा कि कहीं थी हेल्प कर रही है मेरी तो ट्रीट देता हूँ गोलगप्पों की, गोलगप्पे खाएगी। इसने कहा हाँ ठीक है भाई इसकी बैटरी डाउन है इसलिए मैंने चाहे पीछे ना साइड चलते हैं रास्ते में मिल जाएंगे दो गोलगप्पे वाले हैं उनमें से एक कोई फ़ोन पे चलाता नहीं और दूसरा था ही नहीं। चलो बस ठीक है भैया अब इसको मैं ले चलता हूँ तो घर पे वरना मेरे को लगा स्कूटी जैसी बैटरी दिख रही है ना मेरे को अभी उसके हिसाब से भाई जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी और हमें इसको घसीट घसीट के पैदल ले जाना पड़ेगा घर तक। तो चलो भाई अभी स्कूटी ने जवाब दे दिया है, हम ज़्यादा दूर तो आए नहीं थे एक किलोमीटर आए लगभग दो किलोमीटर तो मत मानो भाई तुम एक किलोमीटर मान लो और आगे भाई कम से कम तीन किलोमीटर रास्ता पड़ा है और स्कूटी ने दे दिया जवाब यार पंगा ही होगा पैदल जाना पड़ेगा आज मुझे लगता है। चलो भाई स्कूटी की बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है इसकी वजह से भाई मैं ना फिलहाल दीदी साथ पैदल चल रहा हूँ और स्कूटी चला रही है और मैं साइड में चल रहा हूँ थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि व्लॉग बनाने में बाकी मैं भाई अभी भाग के जाता हूँ उसके पास। चलो भाई अभी हम घर पे आ चुके हैं फिलहाल देखो भाई बस अभी मैं नहाऊँगा और खाना खाऊँगा प्रिंटर की वजह नहीं इसकी इनबॉक्स में होगी कल इसलिए भाई बस फिलहाल देखो आज का दिन अभी एंड होता है। सो गाइस ये है डे टू तो देखो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं हमारे इस प्रिंटर को जिसकी हम भाई कल पिकअप करके लेके आए थे और रास्ते में स्कूटी के हाल भी हाल हो गए थे पर आज इसको अनबॉक्स करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं पिताश्री इसलिए मैं पूरी रात स्कूटी चार्ज करके इसको मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो देखो भाई अभी हमने हमारा तैयार ले लिया खोलने के लिए राम मान ला जाइए और ये देखो ये क्या हालत करके नहीं भाई ये फ्लिपकार्ट वालों ने क्या है बताऊंगा कोई मेरे को बताएगा ये क्या चीज कर रखी है इन्होंने भाई जंग सी लगी बढ़िया प्लास्टिक के ऊपर जंग ये लो भाई नया फीचर फ्लिपकार्ट का नया फीचर है ये इसको अनबॉक्सिंग करते जल्दी से ओह जुटनी बड़ी इसकी ओ इसकी आवाज सुनो थोड़ी सी देखो भाई ज्यादातर होते हैं इस मामले में घर पे इसलिए वहां पे सामान बिखरा सकते हैं पर यहाँ पे आराम से रखो वरना सोते हैं। चलो इसको ओपन कर दिया जल्दी खोलते हैं और इसके अंदर सबसे पहले भाई इसके लिए एक डीवीडी थोड़ी बुकें और कुछ और सिस्टम इसको साइड रखते हैं ये हमारे कोई काम का नहीं है साइड में इसके ओ भाई साथ नहीं आई है ये कलर्स वगैरह का एक्स्ट्रा ही पड़ेगा इसको और उसके बाद इसके वायर्स वगैरह बहुत कुछ है इसके अंदर जल्दी सारा सामान निकालते हैं। क्या कुछ निकल रहा है इससे चलो भाई बाकी सामान निकाल लिया अब है मेन प्रिंटर
प्रिंटर निकालते हैं। बोल बजरंग बली की जय हो। फिर लो भाई नया प्रिंटर आ चुका है। बाकी इसको कुछ नहीं, इसको रखते हैं फिलहाल अपने। और ये है भाई हमारा सबसे मेन माल पूरे के पूरे चीज का। और सबसे मेन बात भाई ये है इप्सन का इको टैंक L3251। बस इस नाम को याद करने में घट्टा लगा पूरा का पूरा। तो साथ में ये है वाईफाई मॉडल, मुझे वाईफाई स्प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए मेरे स्कूल के स्प्रिंट वगैरह होंगे ना वो इससे निकालने वाला हूँ, फोन से निकल जाएंगे। यहाँ पे आके पापा को शांत करता हूँ घंटे घंटे तक कि यार प्रिंट कर प्रिंट कर प्रिंट कर लो, पर फोन से काम हो जाए जल्दी सी। और देखो सबसे पहले इसके ऊपर के ये प्रिंट डालते हैं जिसको पोलथीन से इसने ढक्कर खाया। ये लो भाई टेप पे लगा रखे, टेप पे लगा भी रखे, चिपका रखे पूरी पूरी। ये देखो एकदम अलग ही फील है, देखो प्रीमियम। एक काम करता हूँ, अब देखो इसके साथ जो इंक आ गया ना जल्दी से हम भरते हैं, बाद में मेरे को स्प्रिंट करना जल्दी से वाईफाई से फोन से। लो भाई मैंने अभी ऐसे करके दो इंक डाल रहा हूँ फिलहाल, और एक इंक डल चुकी है और फिलहाल बस एक रही है, जल्दी से डालते हैं। यहाँ पे ना सब प्रिंटर के अंदर लिखा होता है, दिखाया होता है कि भाई यहाँ पे ब्लैक वर्ड इंक डालनी है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे मजेंटा, यहाँ पे सियान। चलो भाई अब रहिए लास्ट पे मजेंटा। पर भाई सारे सारे मजेंटा सियान जो है नाम सुने भी होते ना वो देते हैं, तो ब्लू हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, ये ना रख दो, नहीं मजेंटा रखना मेरे को। चलो अभी इंक भर दिया, इसको भरते हैं बंद, बंद हो चुका है देखो। और अभी होगी कायनात उथल पुथल। लो भाई इसका ऐप डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम करते हैं प्रिंटर को ऑन। बस वैसे स्टार्ट करते हैं। बालाजी महाराज की जय हो भाई। ऑन, ये लो भाई ऑन हो गया, तालिया तालिया। बस हो गया। चलो भाई अभी प्रिंटर स्टार्ट हो चुका है, पर अभी भाई ये तैयार हो रहा है फिलहाल, 11 मिनट लगेगी कम से कम इसमें भाई, एक मिनट तो हमने इंतजार कर लिया, बाकी रही है 10 मिनट। और फिलहाल मैं इसके ये जितने बॉक्स वगैरह सारे सामान को सेट करता हूँ, बाद मिलता हूँ आपको 10 मिनट बाद में। चलो भाई अभी 10 मिनट कम्प्लीट हो चुकी है और अभी हमारा प्रिंटर भी हो चुका है तैयार, और हमने फ़ोन में ऐप भी कर लिया है, और प्रिंट यह करना है हमने वो भी साइड कर रही है। और अभी बस करते हैं प्रिंट जल्दी से, मजा आने वाला है इसे, मतलब कुछ नई चीज़ होती है उसका पहली पहली बार कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं ना वो अलग एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो आपके इस्तेमाल ही ना हो। और यहाँ भाई देखो ये भाई मेरी फोटो है, पहचान पा रहे हो अंतर? बस एक बात सेम है, तब भी मेरे दांत टूटते थे, अब भी मेरे दांत टूट रहे हैं। सबसे पहले भाई मैं इसका जो ऐप है वो पूरा सेट करता हूँ। कुछ देरों में तो ही। हेलो आया, आ नहीं रहा भाई, हेलो आ चुका। यस सब्सक्राइब टू क्लास ब्लॉग्स, इसे सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो। हाँ ओ प्रिंटर भी आ चुका है, मस्त है तो। चलो भाई अभी हमारे प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल चुका हूँ मैं भाई, मजा आ गया। देखा उसमें कोई नई चीज आती है ना उसके स्टार्टिंग में अलग एक्साइटमेंट रहती है हर एक लोगों को, तो माने ना मानो पर रहती रहती है। देखो अभी तो बस इतना काफ़ी था हमारे प्रिंटर के लिए, बाकी अब ये पापा को सौंप दिया है, हमारे पास कुछ नहीं आने वाला इसका अभी। बस भाई इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।